अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गाइस? मैं हूं नाज खान और मैं हूं मोहम्मद सिकंदर आलम खान, लेकिन मैं नहीं जानती गाइस इनको। ये कौन गाइस, ये बताएं, ये हमको पता नहीं जानती। और ये देखो मैं चश्मा भी लगा लेता हूं। आज है मुहर्रम की 7 तारीख, तो हम लोग आज इसको लेकर के जा रहे हैं। आज जा रहे हैं इमामबाड़ा और करबला पे फातिहा होगी। मेरी अम्मी पहले ही जा चुकी है वहाँ, और अब हम लोग जा रहे हैं पीछे से और चलते हैं वहाँ पे। और पहले जा रहे हैं, पहले पेट्रोल डलवाना है। पेट्रोल नहीं है बाइक में, पहले जाएंगे पेट्रोल पंप, उसके बाद जाएंगे गाइस। और आज का व्लॉग आप पूरा देखें, काफी मजा आने वाला है व्लॉग में जी। और पूरा देखा करें, कोशिश मौसम देख सकते हैं गाइस, मौसम काफी अच्छा है इधर, बहुत ही ग्रीन पहले से हमारा बिरमो ग्रीन है गाइस, देख सकते हैं एकदम ग्रीन है चारों तरफ। जिधर भी नजर घुमाएंगे उधर ग्रीन ही ग्रीन नजर आएगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए चलते हम लोग पेट्रोल पंप, और आप बने रहे हैं हमारे व्लॉग में, ठीक है? चलिए अब हम लोग निकल चुके हैं। ये देखिए, ये हम लोग इसमें तो नज़र आते ही होंगे शीशे में। और ये देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है इधर का रास्ता, और हवा भी एकदम ठंडी ठंडी चल रही है, मौसम काफ़ी मस्त है। तो इस मौसम को इन्जॉय करते हुए चलते हैं फुसरो और पेट्रोल डलवा लेते हैं बाइक में। उसके बाद आएंगे रिटर्न करबला, और उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि आज क्या क्या होता है 7 तारीख के दिन। बहुत कुछ है इस ब्लॉग में देखने के लिए, तो आप हमारे साथ बने रहें गाइस। यहाँ पे देखिए रास्ता यहाँ पे क्रॉस कर दिया गया पता नहीं क्यों, और इधर से रास्ता बनाया गया है, और इधर लेफ्ट साइड में खदान भी है। तो बने रहें आप हमारे साथ। तो गाइस ये देखें इनको कि बाइक चलाते हुए कैसे लग रहे हैं। और गाइस हम तो काफ़ी हैंडसम है, वो तो आप लोग को मालूम ही है, काफ़ी हैंडसम लग रहा है। इनकी गलत फहमी है गाइस ये, नहीं आप लोग बताइएगा कमेंट में ज़्यादा हैंडसम कौन है। नहीं यार, ये देखिए इधर काफ़ी अच्छा है गाइस, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्लेस है, ग्रीन ग्रीन। और आगे हम आपको एक और कॉलेज दिखाने वाले हैं, झब्बू कॉलेज, जो कि वीमेंस कॉलेज है, और वहाँ पर मेरा सेंटर पड़ा था इंटर का। बने रहे आप हमारे साथ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है झब्बू वीमेंस कॉलेज की बाउंड्री, जो कि काफ़ी बड़ा है, और इसमें मैंने इंटर का एग्ज़ाम दिया है, मेरा सेंटर पड़ा था। ये देखिए ये फ्रंट गेट, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। और चलते हम लोग डायरेक्ट पहुंचते हैं पेट्रोल पंप, उसके बाद फिर रिटर्न बैक होना है हम लोगों को। तो बने रहें आप हमारे साथ गाइस। चुके हैं पेट्रोल पंप, ये देखें ऑरेंज ऑरेंज नज़र आ रहा है इंडियन ऑयल का बोर्ड। तो चलते हैं हम लोग और पेट्रोल भरवाते हैं बाइक में। और हमारे इधर तो 98 रुपये पर लीटर पेट्रोल है गाइस, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी तरफ कैसे लीटर मिलता है पेट्रोल। और ये देखिए यहाँ पे CNG गैस का भी इंतज़ाम है, ये देखिए पेट्रोल डलवाते हैं, उसके बाद चलते हैं। देखिए गाइस 92 रुपीज़ है क्या? डीजल है वो, डीजल पेट्रोल है ना, इधर पेट्रोल भरा लिया। अब हम लोग चल रहे हैं, पहले चाय पियेंगे उसके बाद हम लोग चाय नहीं पियेंगे तो देर हो जाएगी। अच्छा, तो डायरेक्ट चलते हैं करबला, जो ओवर ब्रिज से चलेंगे, ओवर ब्रिज पे चढ़ जाइए, चलते हैं उधर से हम लोग डायरेक्ट। आप लोग गाइस बने रहे, क्योंकि गाइस अभी अगर चाय पीने लगेंगे तो फिर देर हो जाएगी, वहाँ अम्मी मेरा इंतज़ार कर रही है। हाँ, क्योंकि इसकी हमें बुला नहीं जाएंगे, ये भी हो सकता है मेरे साथ बुला जाएंगे तो। नहीं नहीं, मैं अम्मी बुलाएंगी नहीं, क्योंकि उनका तो यहाँ पे सारा कुछ, मतलब कि लगभग बहुत दिन से यहाँ पे है, तो कैसे बुला सकती हैं। तो चलते हैं गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी पहुँचना ज़रूरी है। और ये देखिए आगे, तो गाइस ये देखिए ये फुसरो का ओवर ब्रिज, और ये जो रास्ता है ना, ये डायरेक्ट जाके नेशनल हाईवे में मिलता है, और उधर से ग्रेडी फिर उधर से ही गया बोकारो नहीं कोलकाता दिल्ली सब जा सकते हैं। और यहाँ का व्यू देख ले, ये देखें यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है, दिखाते हैं ये देखें यहाँ से इधर का व्यू कितना ही अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग, और सामने सनसेट भी हो रहा है, यहाँ का व्यू को आप इंजॉय
सामने पहाड़ नज़र आ रहा है ना, ये प्राकृतिक पहाड़ नहीं है, ये नेचुरली नहीं बना हुआ है, ये मेड इन मेन है। ये जो ब्लास्टिंग करके जो पत्थरों को तोड़ा जाता है उसके बाद ये डंप कर करके ये पहाड़ बनाया गया, पहाड़ बना दिया जाता है गाइस। यहाँ पे जितना भी पहाड़ है सब आदमी के द्वारा बनाया गया, सामने नेचुरली पहाड़ है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। और देखिए सामने का व्यू काफ़ी प्यारा है, आप नज़ारा देखिए काफ़ी अच्छा नज़ारा, काफ़ी प्यारा है गाइस, बहुत ही इंजॉय करते हुए चलते हैं हम लोग। और यहाँ पे पाउडर गाइस, ब्लैक पाउडर फ्री में उड़ता है, अभी तो बारिश हुई है इसलिए ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना ये अभी बैठा हुआ है, नहीं तो अगर बारिश नहीं होती, अगर धूप वगैरह होता तो ये उड़ उड़ के डायरेक्ट हमारे फेस पे जाता। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं करबला, ये देखिए सामने करबला है और इधर लोगों की भीड़, यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो चुका है जो पैक बंधाता है और फरहरा उठता है। ये देखें अखाड़ा उठ चुका है, यहाँ पे 3 अखाड़ा लगा हुआ है सामने, और ये शिरनी वगैरह लेकर गए हैं अंदर फातिहा करवाने। लोगों की भीड़ कम हो चुकी है गाइस, 10 तारीख को यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, और ये देखें उसके लिए पहले से इंतज़ाम हो रहा है। और चलेंगे अभी, और अंदर चादर भी चढ़ रहा है, जिसकी मन्नत होती है वो लोग यहाँ पे आते हैं। चलते हैं अंदर दिखाते हैं आप लोग। और अब हम आ चुके हैं अंदर, और ये गए हैं अंदर फातिहा करवाने के लिए। ये देखें ये नज़र नहीं आ रहे हैं, किधर गए, हाँ नज़र आ गए उनका सर नज़र आ रहा है, ये देखें गाइस। अभी उतनी भीड़ नहीं है गाइस, क्योंकि भीड़ जा चुकी है, लोग फातिहा वगैरह करवा के जा चुके हैं। ये देखिए इधर लेडीज़ वगैरह बाहर से वो लोग दुआएं वगैरह कर रहे हैं, और बाहर का नज़ारा ये देख सकते हैं आप। ये देखिए गाइस अंदर चादर चढ़ रही है, जिसकी मुरादें होती है, जो मन्नतें करते हैं यहाँ के वो चादर पेशी करते हैं 7 तारीख को, और 10 तारीख को तो खैर चादर पेशी होती है। और ये देखें वो अंदर नज़र आ रहे हैं ना, तो ये गए हैं फातिहा करवाने, फातिहा करवा के आते हैं ये, तो मिलते हैं, बने रहें आप हमारे साथ। और एक चीज़ दिखाते, ये देखें छोटे छोटे पैक बंदी लोग जो पैक लगाते हैं वो लोग अंदर चले गए। ये माशाल्लाह बहुत ही अहम महीना मुहर्रम, और मुहर्रम की आज 7 तारीख है, तो हम लोग का फातिहा भी हो गया माशाल्लाह, और नाज़ी अगरबत्ती भी जला दे रही है। अब हम लोग इसके बाद जाएंगे घर, अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ हो गया यहाँ पे माशाल्लाह। ये देखें 7 तारीख का अखाड़ा उठ चुका है, और माशाल्लाह काफ़ी यहाँ पे भीड़ थी, हम लोग लेट कर दिया है, यहाँ पे पाइक पैकार ये सब बनते हैं काफ़ी लोग आए। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, अल्लाह का ये देखें नाज़िम दुआ मांग रही है अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ भी ज़रूरी है नहीं गाई। गाइज़ फाइनली हम लोग घर पे आ गए, फातिहा वगैरह करवा लिए वहाँ पे, वैसे तो आज कुछ था नहीं, 10वीं को ज़्यादा। और गाइज हम तो सोचा कि बहुत कुछ होगा, लेकिन यहाँ 10वीं को ज़्यादा भीड़ होती है गाइज, और हम लोग देर से पहुँचे थे इसलिए सब कुछ ख़त्म हो चुका था। और अभी हम लोग सोचे थे कि फुसरो जाएंगे फिर से, और आप लोगों को कुछ ना कुछ और दिखाएंगे, लेकिन बैड लग गए हैं कि बारिश होना चालू हो गई और हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे या परसों आप लोग को 100% दिखाएंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपके लिए मुहर्रम का अच्छा व्लॉग लाएं, इंशाल्लाह पैकार ही सबको दिखाएं, वो अखाड़ा भी उठाएंगे हम लोग, अखाड़ा भी उठाएंगे इंशाल्लाह, और हम बहुत बड़ा बड़ा अखाड़ा उठाते हैं गाइस, हम अपने टाइम के बहुत बड़े अखाड़ियाँ रह चुके हैं, और इंशाल्लाह यहाँ पे देखेंगे छोटा छोटा अखाड़ा रहता है ये सबको, तो एक बार में 2-3 खड़ा को हम उठा सकते हैं यहाँ के अखाड़ा। हाँ तो दिखाते हैं फिर 10 तारीख को आप लोगों को, जो आज नहीं दिखा पाए, 10 तारीख से पहले भी एक व्लॉग आएगा इंशाल्लाह, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग, और आप लोग पूरा व्लॉग देखिएगा गाइस। अल्लाह हाफिज़ गाइस, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आप लोग प्लीज़, बहुत ही मेहनत लगती है गाइस व्लॉग बनाने में, और हम लोग की आप लोग मेहनत समझिए, तो प्लीज़ आप लोग व्लॉग पूरा देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़ हमारे व्लॉग को, अल्लाह हाफिज़ मिलते हैं।